हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? यार ये जो चुगलखोर बंदे होते हैं ना, जो चमचागिरी करते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे बीच में ही काम करते हैं, हमारे साथ ही बातें करते हैं और हमारी बातें सुन के आगे बता देते हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की जो दिवाली है, मैंने अपने घर पे ही अपने परिवार वालों के साथ मनाई है। तो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करनी थी, एक बात शेयर करनी थी। और यार ये जो चमचे होते हैं ना, चमचे होते हैं, इन लोगों से कैसे बचा जाए? यार प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके। इंसान से तो, बंदे से तो चलो गलती कोई ना कोई हो ही जाती है, लेकिन जो चुगलखोर होता है ना, वो तुरंत चुगली मार देता है। जिनका काम होता है ना चुगली मारना, चुगल किशोर बोलते हैं उनको, चुगल किशोर। चमचे होते हैं, चमचे। तो यार बंदे ने मेरे सामने ही मेरी चुगली मार दी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो मेरे से एक गलती हुई थी, जो किसी को मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और बंदे ने ठा करके मेरी चुगली मार दी। ऐसे यार ये जो चुगलखोर बंदे होते हैं ना, जो चमचागिरी करते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे बीच में ही काम करते हैं, हमारे साथ ही बातें करते हैं और हमारी बातें सुन के आगे बता देते हैं, वो भी मसाला लगा के। तो आप लोग बताओ यार दोस्तों, इन लोगों से कैसे बचा जाए? और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कभी हुआ, तो आप लोगों ने भी तो चुगलखोर तो हर जगह में होते हैं, दो चार तो मिल ही जाते हैं, गंदा इनकी आदत होती है ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना। तो बंदे ने यार मेरी चुगली मेरे सामने ही मार दी, मैं कुछ बोल नहीं पाया। छोटी मोटी गलतियां तो यार हो ही जाती हैं यार, सबसे होती हैं, आप लोगों से भी हुई होंगी। गलती को जानबूझ के तो करता नहीं है। तो यार आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि चुगलखोरों से कैसे बचा जाए। जो चुगल किशोर होते हैं, इन लोगों से कैसे बचा जाए? बाकी दिवाली इस बार ठीक ठाक रही, बहुत अच्छी रही। अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। तो दोस्तों आप लोगों की दीपावली कैसे रही, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।